हाँ भार्गव भाई, राहुल गांधी 2.5 महीने बाद अब गुजरात आ रहे हैं। कांग्रेस वालों से सवाल पूछो कि जी इतना लो की प्रचार क्यों कर रहे हैं आप, वो 2017 की धमक, वो उत्साह, वो एनर्जी, वो ऊर्जा क्यों नहीं दिखाई देती कि जी हम गांव देहात में लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, खटाला सभा कर रहे हैं। राहुल गांधी का कल से प्रचार शुरू करना, और वो भी सीमित प्रचार है, वो कुछ धार देगा कांग्रेस के कैंपेन को या उल्टे कुछ सवाल और खड़े हो सकते हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी से जो पूछे जाएंगे? जी, गुजरात कांग्रेस की इस बार जो हेलो गुजरात कांग्रेस की जो इस बार रणनीति रही जी मैं है सुन रहा वो हूं। हाँ जी गुजरात कांग्रेस की जो इस बार रणनीति रही है, जो मेरे कई लोगों से जो मेरी बात हुई, तो उनकी ये रणनीति रही है कि जिस प्रकार से अगर राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आते हैं तो मोदी वर्सेस कांग्रेस का पूरा माहौल बन जाता है, और वहीं पे कहीं कांग्रेस एक लूज बॉल डालती है तो उसका उसका फायदा काफी कुछ उनको बीजेपी को मिलता है, और इसी के लिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी वो रणनीति उन्होंने इस तरह से बनाई है कि लास्ट मोमेंट पे उनका उनके जो बड़े नेता है उनको यहाँ पे लाया जाए। क्योंकि आप देखिए कि 2007 के चुनाव की बात की जाए तो 2007 के चुनाव के अंदर काफी कुछ कांग्रेस को थोड़ा हल्का बहुत कुछ फायदा हो रहा था, लेकिन मौत के सौदागर एक शब्द के चलते उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। 2012 के अंदर ढूंढिया राक्षस शब्द का जो प्रयोग किया, जो उन्होंने केशुभाई की मदद लेके जो किया था, उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद जो 2017 में मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कहा, उसका फायदा उनको मिला था। तो इस बार कांग्रेस कोई भी लूज बॉल देना नहीं चाहती। दूसरी चीज ये रही है संदीप जी इस बार के चुनाव के अंदर कि 2012 के अंदर जितने भी 2012 और 2017 के अंदर निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी जो है निर्दलीय वो सिर्फ सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो सौराष्ट्र में 126 कम है पिछले साल के मुकाबले में। अगर ये 126 का आंकड़ा कम है तो ये पहले नंबर पे सौराष्ट्र के अंदर पहले नंबर पे बीजेपी रही थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, तीसरे नंबर पे नोटा थी, और चौथे नंबर पे अरे सॉरी माफ कीजिए तीसरे नंबर पे अपक्ष इंडिपेंडेंट रहे थे और चौथे नंबर पे नोटा रहा था। तो ये जो इक्वेशन सौराष्ट्र के अंदर बनता है जो पहले चरण का जो मतदान होना है तो उसके अंदर ये अलग सा इक्वेशन इस बार बन रहा है कि जिसके अंदर आम आदमी को कितना कितनी हद तक वो वोट शेयर मिलेगा उसकी उसके लिए उसको काफी कुछ फायदा होगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जितने निर्दलीय कैंडिडेट जो है उनकी मात्रा इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले, मैं पहले चरण की ही बात कर रहा हूँ, 126 कम है 126। तो उसका एक फायदा जो वोट का बंटवारा हो रहा है वो उसका फायदा मिलेगा। नंबर दो कि जो कांग्रेस अब इस बार इसको जो देखते हुए जो चाल उम्मीदवारों चल रही की है घोषणा उसमें की एक जा रही बहुत ही है भार्गव भाई, जो उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, जिसको रजय उमट इशारा कर रहे थे कि बागी थोड़ा सा पिच को खराब कर सकते हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया है अभी तक, उम्मीदवारों का ऐलान किसे ज्यादा कंफर्ट देता दिख रहा है और किसे पीड़ा ज्यादा देता दिख रहा है? संदीप जी आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ आपका सवाल थोड़ा सा कि निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हैं तो वो जो बागी उम्मीदवार है उनके उनका मामला बहुत कुछ अलग है।